जो बच्चा इंजीनियरिंग लेवल के आईआईटी लेवल के अगर प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो स्कूल वाले उसको क्या सिखाने वाले सेवेंटी नाइन फॉर वन। अरे का सका बस ने विकेट नहीं पड़ी। हाँ सुबह से विकेट ही नहीं गिरा है। इतना बॉल लो रह रहा है, टर्न हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है हमारे पास से। इट्स 11:30 आज। अब भी कैमरा हाथ में लिया है, आज आराम से उठा, आज रेस्ट लेने का प्लान है। मतलब एकेडमी तो है बट बाकी कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने वाला, बिकॉज कल का दिन हिट्टिक हो गया। मॉर्निंग को प्रैक्टिस, दोपहर को वापस बच्चों के स्क्वाडिंग। आणि काल माहिती का अंगद, तू आणि बोल्ट पहिल्यांदा ब्लॉगमध्ये नव्हते। तू कालच्या ब्लॉगमध्ये नाही आहेस, पूर्ण पूर्ण ब्लॉगमध्ये तू नाही। अंगद का एक्चुअली लेक्चर चालू है और लेक्चर में अंगद को दिखा रहे मूवी, मराठी मूवी। अरे शाळा है वाटतं ना? शाळेबद्दल आहे। अरे लंच झाला, विकेट नाही, एक सेशन विकेट नाही। क्या हो रहा है, क्या होएगा इस कंट्री का? क्या होएगा इंडिया का? नाही काही नाही होत, अजून दोन सेशन बाकी आहेत। एक जरी विकेट पडली ना की आपण पटपट पटपट गुंडाळू शकतो त्यांना। सो होप फॉर द बेस्ट। चलो दोस्तों, इट्स 11:30, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। हा कुठे बसून भुंकतोय रे? हा बाबा बाबा, इकडे बोल, धर इकडे इकडे ये ये। अरे कुठे तू? इकडे कम यार, ये इकडे चल ये। अरे तू दो गायब आहे कुठे? तू काय कसा आहे? झाली का झोप? हा झोप झाली का तुझी? शेक हँड, शेक हँड, शेक हँड। अरे शेक हँड उसको लगा खाने को दे रहा है, आया बोले शेक हँड मांग रहे, बंक वो चला गया। ठंडी चालू हो गई पुणे में, कल रात को अच्छी खासी ठंडी और अभी देखो पूरा हेजी, पूरा फॉगी। बट बादल नहीं चाहिए, बादल रहते ना तो अच्छी खासी ठंडी पड़ती, मतलब पड़ती है बट वापस गर्मी वर्मी चालू हो जाती है। स्काई क्लियर रहेगा ना तो एकदम जबरदस्त ठंडी होती है। आज मॉर्निंग को ही उठ के पौधों का पानी दो, करौंदे के सैपलिंग्स क्या आ गए यार, बॉस जबरदस्त, देखो ना जबरदस्त हो गया एकदम। ठंडी में थोड़े पेड़ ऐसे मुरझा जाते हैं ठंड के वजह से, पानी दिया है फिर भी ऐसे फ्रेश नहीं लग रहा है। आज धूप रहती है तो पेड़ एकदम अच्छे दिखते हैं, धूप और ठंड या ऐसा क्लाइमेट रहता ना तो पेड़ों को भी ऐसा डलने सा जाता है। एक्चुअली मेरे को भी मॉर्निंग से आज डलने सा है, सूरज नहीं उगता है ना तो डलने सा आता है, ये पक्का है। सूरज अपने को ना एनर्जी देता है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। धूप ना होनी चाहिए, एक तो अपने को एनर्जी देती है, गर्मी देती है, अगेन इट इज डिसइंफेक्टेंट। आप देखो अगर 5-6 दिन के ऊपर अगर सूरज ना होगे ना तो हमको वायरल इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है, सर्दी खांसी थ्रोट इन्फेक्शन वायरल ऐसा हो जाता है, क्योंकि धूप है ना बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। उसका यूवी राइज रहता है ना, वायरस को मार डालता है वो, ऐसा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अग्नि आज गई है स्कूल। अग्नि का क्या है, अल्टरनेट डे स्कूल है तो अग्नि और उनके कुछ दोस्तों ने मिलके स्कूल को इंसिस्ट किया है या रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमको रोज स्कूल आने दो। स्कूल अभी तक मान नहीं रही है बट इन्होंने रिक्वेस्ट तो दे दिया कि हम वी वुड लाइक टू कम एवरी डे। क्या है, जो बच्चा स्कूल जाते हैं ना, ऑफलाइन जाते हैं ना, तो उनको है ना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसे अग्नि बोल रही है। ऐसे पता नहीं मुझे अग्नि का ऐसा मानना है। एंड अगेन ये भाई यार वो कौन सा वाला नया वेरियंट आ गया है कोविड का, साउथ अफ्रीका में आ गया है, उधर से दो जन इंडिया में आ गए। ये कोविड का लफड़ा कभी खत्म होएगा भाई? अभी तीसरा लॉकडाउन मत करो यार, जो कुछ वैक्सीनेशन है दे दो सबको और खत्म कर दो बात। यूरोप में तो सबका वैक्सीनेशन हो गया, दो दो तीन तीन वैक्सीन होने के बाद भी इनको कोविड होता है। अरे इम्यूनिटी है कि नहीं है लोगों को? अपना देखो विदाउट वैक्सीनेशन आधे लोग इम्यून है, हर्ड इम्यूनिटी। अंडा खाने का बाहर रहने का आदत पड़ा है अपने लोगों को ना, तो अपने पास हर्ड इम्यूनिटी है। वो प्यार ये अभी तीसरा लॉकडाउन नहीं होना मांगता, नहीं तो ना बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। बच्चों का सबका ही नुकसान हो जाएगा। हमारे क्रिकेट वाले बच्चों ने तो बहुत सारे क्रिकेट बच्चों ने तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, दो साल वेस्ट गए यार। मतलब जो लोग 16-19 के बॉर्डर पे थे ना, उन्होंने क्रिकेट छोड़ के भाई पढ़ाई पे ध्यान देना चालू कर दिया। और एक बात कहना चाह रहा था, एक्चुअली भूल गया, हमारे एकेडमी में और एक बच्चा कल से ज्वाइन हुआ है, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो क्रिकेट भी खेलता है एंड ही सुपर टैलेंटेड। मतलब कुछ दिनों में शायद आप उसका मीडिया में नाम सुनोगे। अंगद से छोटा है, 9 साल का बच्चा है बट वो अभी आईआईटी के एंड कॉलेज में जो मैथ्स रहता है ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैलकुलस, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब नेचुरल टैलेंट है उसमें, उसके डैडी ने ना डिजिटल ब्लैक बोर्ड लाया हुआ है उस पर वो इंटीग्रेशन सॉल्व करता है। और ऐसा बता रहे हैं कि शायद अनअकैडमी या बाइजूज उसको हायर करने वाले हैं कोचिंग के लिए। 9 साल का बच्चा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, अरे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मेरे को तो अभी भी नहीं आया था, कॉलेज में भी नहीं आता था। मैं वही
सोच रहा भाई तू क्रिकेट क्यों खेल रहा है फिर, वो क्रिकेट में भी अच्छा है, वो क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। हम लोग कन्फ्यूज है भाई कि भाई इसको क्रिकेट खेलना है या एकेडमिक्स में करियर करना है। और उसने एक्चुअली ना स्कूल वूल भी छोड़ दिया है, क्योंकि पेरेंट का ये मानना है कि भाई स्कूल से बहुत आगे है, मतलब स्कूल के टीचर से बहुत आगे है। मतलब जो बच्चा इंजीनियरिंग लेवल के IIT लेवल के अगर प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो स्कूल वाले उसको क्या सिखाने वाले। स्कूल छोड़ दिया है कुछ ही दिनों में, शायद आप उसका नाम सुनोगे। प्राइवेसी रीजन और पर्सनल रीजंस की वजह से मैं उसका नाम या आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। कल से हमारे अकेडमी में आना शुरू हो गया, तो प्रॉब्ली सैटरडे संडे आएगा, कि डेली उसका कुछ पढ़ाई का या कुछ तो शेड्यूल रहता है, और यहाँ से वो थोड़ा दूर रहता है, सो सैटरडे संडे वो हमारे अकेडमी में आएगा। मारेल बोलते तुला वेटर, दो इडली सांबर, दो कैपेचिनो। अरे अग भेट का त्याला काय, तू तुला एवढा बोलवतो आणि तू भेटत नाही, भाव खाते काय? अरे दीदी भाव खायला लागली। श्यामची आई का मग? श्यामची ते श्यामची ना कुठला आहे, कोरियन? हा पण कोरियन आहे का? कोरियन आहे पण मार्वलचं। मार्वलचं आहे का? मला वाटलं श्यामची आई लागला काय। काय बोल, दीदी भेटली की नाही तुला? दीदी भेटत नाही तुला। ओ जांब मग अशी शेक हँड का नारे दिलं तुम्हाला? हा एवढा मस्का लावत आलो तुला, शेक हँड नाही दिला? शेक हँड। चल येतो वरती, ये ना बोल्ट भाग रहा है आज। काय रे बोल्ट जरा लय लांब पळतो आहे, भानगड काय? अरे विकेट गेली, लंच नंतरचा पहिलाच बॉल। अरे वा 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 वा, उमेश यादव का? वा वा वा, अरे पण मारला चांगला होता त्यांनी रे। हा शुभमन गेले ना, वा वा वा। लंच के बाद का पहिला ही बॉल पे विकेट गिरा है बाबा, पडली रे बाबा। अरे लंच नंतर आहे ना थोडं कॉन्सन्ट्रेशन लॅप्स झालेलं असतं, नंतर परत यायला थोडा टाइम लागतो। अरे काय नो बॉल चेक करतायत काय? नाही नाही, हा आउट आउट आहे। अरे रुकाया क्यों है भाई उसको, जाने दो। विलियमसन आला, अरे विलियमसन आला तरी विलियमसन जाणार आता। गेली गेली विकेट गेली। जंगल काय? जंगल में मंगल, जंगल क्रूक्स क्रूज। अरे काय डिझनीची बाबो। भाई विकेट किती पडल्या? विकेट दोनच पडले। बाहेर झालो, बाहेर कुठे प्लॅन करते? घराच्या बाहेर प्लॅन करते। डोक्यात प्लॅन चाललाय? काय प्लॅन मीन नाही, मम्मा जेवण गेले गपचूप जेवायचं, काही प्लॅन मीन नाही। आणि काय विचारते तुम्ही कुठे चाललोय ते? आमचा एक पार्टनर आहे ना, त्याचं लग्न आहे आज। हो लगेच जाऊन त्याला भेटून येणार। हा मग काय जाणार ना, त्याचं लग्न आहे ना, आपलं लग्न थोडी, त्याच्या लग्नाला आपण जाऊन फक्त त्याला भेटून येणार। हे नीटच आहे, नीट आहे, व्यवस्थित आहे, व्यवस्थित। तुला माहिती रे बॉय स्टाईल? हो। आणि तू काय बघतीये? काय ड्रेस बघतीये? काय केवढे हुडे आहेत तुझ्याकडे, ते तू घालत नाही। तीन विकेट काढायचे फक्त आपल्याला, आता सातवी विकेट पडली आहे, 16.3 ओव्हर्स बाकी आहेत आणि तीन विकेट पाहिजे आपल्याला। अग्नि म्हणजे आपण हरणार? अरे आपण कसे हरणार? हा कसा गेला बघ मागणं अंगत, टप्पा पडला, मागचा स्टंप त्यांनी ओपन ठेवायचा नसतो माहितीये ना, त्यांनी ओपन ठेवला। ही 18 ओव्हर मध्ये 3 विकेट, ही जबरदस्त मॅच चल रहा आहे। इम्पॅक्ट बाहेर होता का? 8वा विकेट गया, बट DRS लिया उन्होंने, बाहेर। इम्पॅक्ट आउटसाइड ऑफ, नॉट आउट। तू काय बोलला? मी बोललो, तू नाही बोललो। नॉट आउट। सो जाओ, नॉट आउट बोललो ना मी। हो अरे एकदम जबरदस्त घेतला का नवीन बॉल, पडेल का विकेट? गो तो म्हणतो पुढे खेळ पुढे खेळ, मागे नाही फास्ट टाकला वाटत अश्विन। कसला ड्रिप झाला बघ, असा बाहेर गेला, कत्ती लागली असती नाहीतर गोल्ड गेला। अरे घ्या रे, आम्हाला जायचं अकॅडमीला, 3 विकेट घ्या पटकन, एकटा बचाले की न्यूझीलंड मॅच, जायचं का नाही अकॅडमीला? अरे तो 50 बॉल खेळलाय रवी, 50 बॉल 10, हा 23 बॉल 4 गेला, सोडला रे
पुजारानी सोडला कॅच सोडला पुजारा पुजारा कोण जेमिसन गेला जेमिसन गेला जेमिसन गेला दोन घ्या रे दोन घ्या उरले दोन एलबीडब्ल्यू रे प्लम सौदीला घ्या बाबा ही एक ओव्हरवरल्या निघू आपण आता आपला अकॅडमी राहील अयो बुडबुडबुडबुड टेस्ट मॅच ॲट इट्स बेस्ट एक विकेट बाकी एक बाकी आहे आलो आलो जिंकली होती अरे आम्ही मिळालो तर दोन विकेट गेल्या त्या चला ए फुटेज चल तिकडे वॉर्म करा चला ओके बडबू वा इंग्लिश विलो का कुठून घेतली चॅम्पियन म्हणणं गुड 3600 नाव गंधित इज अपग्रेडेड टू इंग्लिश विलो मस्त आहे रे बॅट छान आहे आवडली मला गुड बॅट चांगला खेळायचा हा करायचा का उद्घाटन करायचं ओके आता ह्याला आहे ना इकडे जेवढं पण पार्ट वूड पार्ट ओपन आहे ना त्याला ऑइलिंग करायचं थोडं हलकं सरकं कुठलं लावणार ऑइल लिंडसीड ऑइल चलो आज ड्रॉप बॉलला वापरा तुम्ही ड्रॉप बॉल नॉकिंगला हा काही प्रॉब्लेम नाही चलो ऑल द बेस्ट 2 hours later झालं अरे न्यूझीलंडनी माहीत ड्रॉ केली एक विकेट राहिली पण 9 विकेट गेल्या त्यांच्या नाही नाही झाले नाही शेवटच्या ओव्हर पर्यंत खेळले तो रवी आणि तो इजाज एजाज रवींद्र पटेल हा रवींद्र पटेल आहे का इजाज एजाजचा पण पटेलच आहे ना भारी खेळले आजाज पटेल मान घ्या दोन चला चला आवरा लवकर आपल्याला जायचं हा तुमची तुमच्यासारखे थोडी आहेत ते ऑल आउट व्हायला वाव क्या ठंड पड़ी है अब बीचर्स अकेडमी से आया एक्चुअली आज आते आते लेट हो गया मुझको ऑलमोस्ट 9 o'clock आज हमारा कैंटीन चालू गया चलो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए नॉट डिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी सो दोस्तों एज ऑलवेज अमिगोज़